अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हूँ निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुदाखलत हेटी में गैंग बहरान पर काबू पाने का बेहतरीन मौका है। अक्वामे मुत्तहिदा में कनाडा के एलची का कहना है कि मुखालफत करने वाले अफरा तफरी को ख़त्म करने का कोई और तरीका तजवीज़ करें। तशद्दुद को रोकना कनाडा का अखलाकी फ़र्ज़ है। कैनेडियन ऑनलाइन रेगुलेशन से होशियार हैं। पोल में कहा गया है कि निस्फ कैनेडियन आज़ादी इजहार के तहफ़ के लिए हुकूमत की सलाहियत से मोहतात हैं। नाकदीन ने सख्त सजाएं को फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ करार दे दिया। कैनेडा के प्रीमियर्स का कार्बन टैक्स में इजाफे को रोकने पर जोर। कैनेडियन वजीर सनत का कहना है कि आलूदगी की कीमतों में इजाफे की कोशिशों पर मनसूबा काम कर रहा है। आलूदगी पर कीमत लगाना सही काम है। जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान अमरीकी सदारती इलेक्शन की दौड़ शुरू। डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा होने वाले सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का कहना है कि जो बाइडन को शिकस्त देने के बाद मनाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। अक्वामे मुत्तहिदा में कनाडा के सफीर का कहना है कि फौजी मुदाखलत हेटी के पास ऐसे ग्रोहों को जड़ से उखाड़ फेंकने का बेहतरीन मौका है जिन्होंने कैरेबियन मुल्क में बरसों से अफरा तफरी फैला रखी है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अक्वामे मुत्तहिदा में कनाडा के सफीर का कहना है कि फौजी मुदाखलत हेटी के पास ऐसे ग्रोहों को जड़ से उखाड़ फेंकने का बेहतरीन मौका है जिन्होंने कैरेबियन मुल्क में बरसों से अफरा तफरी फैला रखी है। राय ने मुदाखलत की मुखालफत करने वालों को चैलेंज किया कि वो अफरा तफरी को ख़त्म करने का कोई और तरीका तजवीज़ करें। कनाडा के सफीर बॉबरे ने पीर के रोज़ जमैका में कई कैरेबियन रहनुमाओं के साथ अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात की, जिसका मकसद बहरान का हल तलाश करना था। मीटिंग के बाद हेटी के गैर मुंतखब वजीर आज़म एरल हेनरी ने अबूरी सदारती कौंसल बनने के बाद अपना अहदा छोड़ने पर इत्तेफाक किया। ये इकदाम कनाडा और उसके साथियों के कई महीनों के दबाव के बाद सामने आया है। बॉबरे का कहना था कि मैं उन लोगों से एक सवाल पूछूंगा जो कहते हैं नहीं, मैं मदाखलत नहीं चाहता। ठीक है, आप इस मसले को कैसे हल करने जा रहे हैं? हेटी की नेशनल पुलिस ने कबूल किया कि उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। बॉबरे ने कहा कि कनाडा का इखलाकी फ़र्ज़ है कि वो हेटी को तशद्दुद के एक ज़ालमाना दौर को ख़त्म करने में मदद करे और तशद्दुद, इंसानी स्मगलिंग और मुंशियात की स्मगलिंग को रोकने में खुद गर्जी जो गैंग के बहरान से मुतालिक है। हमें सिक्योरिटी के बहरानों का जवाब देने के काबिल होना होगा जो हमारे लिए सबसे अहम है, और हेटी यकीनी तौर पर उनमें से एक है। एक नए सर्वे से पता चलता है कि निफ से कम कैनेडियन इस बात पर यकीन रखते हैं कि ओटावा का सोशल मीडिया साइट्स को रेगुलेट करने का मंसूबा प्लेटफॉर्म्स को महफूज बनाएगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एक नए सर्वे से पता चलता है कि निफ से कम कैनेडियन इस बात पर यकीन रखते हैं कि ओटावा का सोशल मीडिया साइट्स को रेगुलेट करने का मंसूबा प्लेटफॉर्म्स को महफूज बनाएगा। पोलिंग फर्म लेजर ने सिर्फ 1,500 ज़्यादा कैनेडियनों से लिबरल हुकूमत की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ख़ास तौर पर बच्चों के लिए महफूज बनाने के लिए इकदाम करने की तजवीज़ के बारे में पूछा। जवाब दहंदगान में से निस्फ का कहना है कि वो आज़ादी इजहार के तहफ़ के लिए हुकूमत की सलाहियत से मुहतात हैं, जबकि अक्सरियत का कहना है कि वो नफरत अंगेज़ तकरीर के जराइम के लिए सख्त सजाएं मुतारिफ कराने के लिए उसकी मुतनाज़ा तजवीज़ की हिमायत करते हैं। नाकदीन मुतनबा करते हैं कि सख्त सजाएं मुतारिफ कराने से तकरीर की आज़ादी को ठंडा किया जा सकता है, जबकि महकमा इंसाफ के हुक्काम का कहना है कि कानून का इतलाक सिर्फ इंतहाई सख्त तकरीर पर होगा।
कनाडा के वफाकी वजीर सनत का कहना है कि आलूदगी की कीमतों में इजाफे की कोशिशों पर मंसूबा काम कर रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वफाकी वजीर सनत फ्रांसिस फिलिप शैम्पियन का कहना है कि आलूदगी की कीमतों में इजाफे की कोशिशों पर मंसूबा काम कर रहा है। अभी तक एक और सूबाई रहनुमा ने ट्रूडो हुकूमत से अगले माह कार्बन टैक्स में इजाफे को रोकने का मुतालबा किया है। ये रिमार्क्स न्यूफाउंडलैंड से वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और लैब्राडोर के वजीर आजम एंड्रयू फ्यूरे को लिखे गए खत के जवाब में सामने आए। फ्यूरे ने वफाकी हुकूमत से कहा कि वो खानदानों को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस के असरात को हल करने और उनको मजीद पेचीदा ना करने में मदद करे। सजा देने वाली महंगाई और जिंदगी की कीमत के चैलेंजों का हवाला देते हुए जो इसके सूबे के सबसे कमजोर रिहायशों को मुतासर करते हैं। यकुम अप्रैल को वफाकी कार्बन टैक्स में आने वाला तकरीबन 25% इजाफा काबिल फहम तशवीश का बाइस बन रहा है। खत में लिखा गया है, मैं एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आप नफास को रोकने पर गौर करें कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक महंगाई के इस्तेहकाम शरह सूद में कमी और मुतालिका जिंदगी की कीमत पर मौशी दबाव काफ़ी ठंडा है। अप्रैल के टैक्स में $65 फी टन कार्बन के अखराज से $80 तक इजाफा सिलसिले का हिस्सा है जिसकी फीसों में 2030 तक सालाना इजाफा होना तय है। शैम्पियन ने कहा कि वो इस मामले पर फ्यूरे की आवाज़ सुनते हैं लेकिन आलूदगी पर कीमत लगाना सही काम है। उन्होंने कहा कि यह मुस्तकबिल में सरमायाकारी है, मंसूबा काम कर रहा है, ये कैनेडियनों की जेबों में मजीद रकम लाने वाला है और हम इसे जारी रखेंगे। फ्यूरे के खत का भी जवाब देते हुए नायब वजीर आजम और वजीर खजाना के दफ्तर के तर्जुमान ने लिखा कि कार्बन की कीमतों के जरिए अखराज में कमी हमारी बिरादियों की हिफाजत का सबसे ज्यादा सरमायाकारी का मौसर तरीका है और कनाडा कार्बन रिबेट को नोट किया जो काबिल सितार चैलेंजों से निमटने के लिए मौजूद है। अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा सदर जो बाइडेन के दरमियान इंतखाबी दंगल अब बस सजने को ही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने अपनी अपनी जमातों के सदारती उम्मीदवार नामजद होने का मरहला जीत लिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा सदर जो बाइडेन के दरमियान इंतखाबी दंगल अब बस सजने को ही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने अपनी अपनी जमातों के सदारती उम्मीदवार नामजद होने का मरहला जीत लिया। जॉर्जिया, वाशिंगटन, दीगर रियासतों में मुनक़द होने वाले मुकाबले में जो बाइडेन ने अपनी नामजदगी के लिए 1968 मंदूबीन का मुकर्रर हदफ हासिल कर लिया। ऐसा 70 वर्षों में पहली बार हो रहा है कि दो उम्मीदवार मुसलसल दूसरी बार के बाद दीगर अमरीकी सदारती इंतखाब में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। इसी तरह साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जॉर्जिया, हवाई, मिसिसिपी और वाशिंगटन से अपनी जमात की तरफ से 1212 डेलीगेट्स हासिल किए और रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार होने का एहसास हासिल किया। सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में 71 साल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जश्न मनाने का अभी वक्त नहीं बल्कि असल जश्न जो बाइडेन को शिकस्त देने के बाद मनाएंगे क्योंकि जो बाइडेन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने अपनी अपनी जमातों की तरफ से नामजदगी जीतने के बाद सदारती इलेक्शन के अखाड़े में एक दूसरे के सामने हैं। 81 साल जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक की नामजदगी हासिल करने पर वोटर्स के पास अब इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने का वक्त है। क्या हम खड़े होकर अपनी जमहूरियत का दिफा करेंगे या दूसरों को इसे ख़त्म करने देंगे। फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।